टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपने कृष्ण के किरदार से दुनिया भर में मशहूर हुए नितीश भारद्वाज को तो आप सभी जानते होंगे। नितीश ने अपनी एक्टिंग से टेलीविज़न पर आने वाले धारावाहिकों में कृष्ण के किरदार में तो जैसे जान ही फूंक दी थी। नितीश भारद्वाज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भी रहे, साथ ही वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। टीवी धारावाहिक महाभारत में नितीश भारद्वाज ने कृष्ण का सबसे अच्छा किरदार निभाया। इनके जन्म की बात की जाए तो नीतीश का जन्म 2 जून 1963 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने कई सारे धार्मिक धारावाहिकों में काम किया, जिनमें महाभारत, विष्णु पुराण, गीता रहस्य, रामायण के साथ अजब गजब घर जमाई जैसे धारावाहिक भी शामिल हैं। और इन सभी में नीतीश ने अपना दमदार अभिनय दिखाया। नीतीश भारद्वाज ने विमला पाटिल की बेटी मोनिसा पाटिल से 1991 में शादी की थी और 2005 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने स्मिता गेट से शादी कर ली। फिल्मों की बात की जाए तो नीतीश भारद्वाज 1994 में आई मूवी प्रेम शक्ति में नजर आए थे और इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं जो उनके नाम हैं, जिनमें त्रिशाग्नि, ज्ञान गंधर्व जो कि मलयालम फिल्म थी, संगीत प्रेम शक्ति, नाचे नागिन गली गली, मराठी फिल्म खटियाल सासू नधरसू, पसंद आहे मुलगी, तुझी माझी जमली जोड़ी शामिल है। नीतीश को फेमस होने के बाद भी कई परेशानियां उठानी पड़ी और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि धारावाहिकों में कृष्ण का किरदार निभाने पर नीतीश कृष्ण के किरदार में इतना फेमस हो गए थे कि लोग उन्हें कृष्ण के नाम से जानने लगे थे और इसी वजह से उन्हें किसी भी सीरियल या फिल्मों में काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया और वो एक राइटर बन गए। ये भी पता चला था कि उन्हें ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिसे सही करने के लिए वो लंदन गए थे। उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ नहीं हैं और वो अकेले इन सारी परेशानियों के बीच हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश ने टेलीविज़न इंडस्ट्री को कृष्ण का एक सुंदर किरदार दिया जो हमेशा सबके जहन में रहेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.